पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है। बता दें कि आज तीसरे चरण की परीक्षा होनी है। इसको लेकर जो है सेंटर्स पर जो अभ्यर्थियों हैं उनकी भीड़ भी जमा है। बता दें कि दोपहर 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे से चलेगी। प्रदेश के सभी 48 जिलों में कुल 545 सेंटर्स बनाए गए हैं। पेपर लीक के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पे। आपको याद दिला दें कि पहले दिन जो परीक्षा हुई थी 7 तारीख को, उसमें खगड़िया से जो है आंसर शीट बरामद हुई थी, तो 34 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे। 11 तारीख वाली जो परीक्षा थी उसके बाद एक खबर आई थी कि 7 लाख में सेटिंग हुई है, पेपर को लेकर सेटिंग हुई है। लेकिन आज अब इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे है। सेंटर्स पर पुलिस की भारी मौजूदगी तैनाती है, भारी मोड में तैनाती है। बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक एंट्री दी जाएगी। 11 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरे चरण में 12 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़ा था। आपको हमने बताया था दूसरे चरण में 12 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़ा था। निगरानी के लिए उड़नदस्तों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सेंटर पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पिछली बार कई जिलों से पेपर लीक की खबरें सामने आई थी, हालांकि जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं कि अभ्यर्थियों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। देखिए, परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 10:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में 2.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा और हर हाल में 10:30 बजे तक सेंटर पर एंट्री लेनी होगी। अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। पेन और पेंसिल लेकर सेंटर्स पर नहीं आना है। एग्जाम सेंटर्स पर ही अभ्यर्थियों को पेन और पेंसिल दी जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन से जांच होगी। परीक्षार्थियों के दोनों हाथों में अंगूठे का निशान भी बायोमेट्रिक मशीन से लिया जाएगा। शारीरिक जांच के दौरान फिर से अभ्यर्थियों के अंगूठे का मिलान, परीक्षा कक्ष में दोनों हाथों के अंगूठे का निशान, फोटो और शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा, जिसका उपयोग चयन के अगले चरणों में पहचान के लिए होगा। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना है। देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसके बावजूद पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। 7 लाख में सेटिंग के मामले सामने आए थे, तो 34 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। पटना से 4 को भी गिरफ्तार किया गया था। पिछली बार मैरिज हॉल में भी छापेमारी की गई थी, जिसमें उत्तर रटवाया जा रहा था। देखिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद कहीं ना कहीं से जो है कुछ मामले निकल कर सामने आ जा रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, तो सेटिंग कराई जा रही है, तो उत्तर रटवाया जा रहा है। तमाम चीजें सामने निकल कर आती है। लेकिन आज का अभी जो एग्जाम है, पुलिस की तैनाती है, हर तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, हर तरीके से जो है वो अभ्यर्थियों की जांच भी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आज के एग्जाम के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।